अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जॉब के लिए आया था जी। मैं अपनी मैम से बात करके आपको अभी बता दे, आप वेटिंग एरिया पे बैठे, मैं आपको कॉल करती हूँ प्लीज। जॉब के लिए आए हो यहाँ? जी मैं भी इंटरव्यू के लिए आया। न जाने कैसे कैसे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाते। जी तो मैडम आपकी जॉब कंफर्म हो गई? इंटरव्यू भी हो गया, जॉब भी हो गई और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। अलियती आपको मैडम बुला रही है। शहजाद इसको क्यों मैडम ने बुलाया? तुम फिक्र नहीं करो, जॉब तुम्हारी ही है। देख लो, पक्की बात है ना? तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। ओके चलो शुक्र है, जॉब तो फाइनल हुई। May I come in? Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. जी अली मुगल। जी आप कुछ ज्यादा नहीं लेट हो गए? नहीं मैडम, मैं तो 10 मिनट पहले का आ गया था, असल में मुझे वेटिंग एरिया में बिठाया हुआ था। सॉरी मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी जॉब किसी को दे चुकी हूँ, आप जा सकते हैं। मैडम प्लीज मुझे जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, आप मुझे प्लीज एक चांस दे दें। कुछ नहीं हो सकता प्लीज। मिस्टर अली, डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं क्या इशू है आप? डॉक्टर साहब मेरी जॉब ना मिलने की वजह से मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाता जा रहा हूँ, किसी भी चीज की समझ नहीं आती, कोई काम मैं ठीक तरह कर नहीं पा रहा। जी आप तसल्ली से और आराम से बताएं कि आपके साथ मसला क्या है। असल में डॉक्टर साहब 3 महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, और इस चीज ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया। कहीं पे सुकून नहीं है, घर की जिम्मेदारियां, बहनों की शादियां, वो सब मुझे देखनी है, और घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही। आप प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे मेरे दिमाग को सुकून मिल जाए, मुझे अपना घर चलाना है डॉक्टर साहब। अगर मैं इस तरह बीमार हो जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, और ये फिक्र मुझे और खाती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं परमानेंट दिमागी मरीज बन जाऊं। ये मेडिसिन खाएं और इंशाल्लाह ये खाने से आपको दिमागी सुकून मिलेगा। डॉक्टर साहब दिमाग के सुकून के साथ साथ मुझे दिल का सुकून भी चाहिए, खुदा के लिए कोई ऐसी चीज मुझे दे दें जिससे मेरे दिल को भी सुकून मिले, क्योंकि दिमाग के साथ साथ मेरे दिल में भी बहुत परेशानी है, सुकून नहीं है दिल में। आपको खुदा का वास्ता है मुझे कोई ऐसी दवाई दे दें कि जिससे मेरा दिल भी सुकून और इत्मीनान में आ जाए। देखें दिल के सुकून के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है डॉक्टर साहब। वो क्या है? वो है कुरान पाक। भाई इसको पढ़ें, इसको पढ़ने से आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके दिमाग को भी सुकून मिलेगा।